सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन और लेजेंडरी अभिनेत्री जया बच्चन एक साथ आए हुए काफी साल बीत चुके हैं। एक आम जोड़ी की तरह ये जोड़ी भी काफ़ी ज़्यादा समय एक साथ गुजार चुकी है। जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पर्दे पर भले ही अमित जी का इमेज एक एंग्री यंग मैन का हो, लेकिन निजी ज़िंदगी में वो बहुत कम गुस्सा करते हैं, बहुत कम मौक़ों पर वो गुस्सा होते हैं। एक ही चीज़ है जो उनके मूड को ऑफ कर सकती है, वो है गंदगी। पर्दे हो या बेडशीट, उन्हें कहीं भी गंदगी पसंद नहीं है। अगर दिख गई तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। जब तक वो गंदगी साफ नहीं होती, उनके दिमाग में वही चलता रहता है। जया बच्चन ने अपने इस इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बिग बी खाने के बहुत शौकीन हैं। एक साथ ढेर सारी अलग अलग डिशेस उन्हें कंफ्यूज कर देती है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। आमतौर पर किसी पार्टी में जब बूफे होता है तो उन्हें यह तय करना काफ़ी बोरिंग काम लगता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। उन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी पर्दे की लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। ये जोड़ी अब तक कई यादगार फिल्में दे चुकी है। पिछली बार ये जोड़ी आर बल्कि फिल्म की एंड का में नज़र आई थी। खास बात ये थी कि वे पर्दे पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के तौर पर ही नज़र आए थे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। जब सेट पर अमिताभ ने जया को देखा तो देखते ही रह गए, वो पहली नज़र में ही उनसे प्यार कर बैठे थे। इस जोड़ी ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों एक साथ पर्दे पर देखना लोगों को पसंद है। वहीं आपको बता दें कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है कि हर समय अमिताभ बच्चन साफ सफाई के पीछे पड़े हुए रहते हैं। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।